एवरीवन, आई एम डॉक्टर आरजू वर्मा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर डेंटल इम्प्लांट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स एंड हाउ मच दे कैन कॉस्ट यू। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल, सो इजी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो डेंटल इम्प्लांट्स एक स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हमारी बोन में फिक्स कर दिया जाता है और उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल टूथ दे दिया जाता है। ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है और इस ट्रीटमेंट में जो स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है वो नॉर्मल स्क्रू की तरह बिल्कुल नहीं होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ नोबल मेटल जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ बेसिकली टाइटेनियम। और अब हम जानेंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स के क्या प्रोसीजर होता है। तो डेंटल इम्प्लांट्स के हमारे तीन स्टेप्स रहते हैं। पहला हमारा सर्जिकल प्रोसीजर से हमारा डेंटल इम्प्लांट जो स्क्रू डालते हैं हम बोन में, सेकेंड स्टेप इज अपटमेंट एंड थर्ड स्टेप इज द आर्टिफिशियल टूथ। यानी डेंटल इम्प्लांट्स के फर्स्ट प्रोसीजर के बारे में, तो पहले प्रोसीजर में क्या होता है कि एक छोटी सी सर्जरी से इम्प्लांट के स्क्रू को बोन में फिक्स कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, उसे फिर 2-3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। सेकेंड स्टेप हमारा होता है अबटमेंट जो हमारा एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम मेजरमेंट लेते हैं, जिस भी पेशेंट ने इम्प्लांट का ट्रीटमेंट करवाना होता है उसके ऊपर हम आर्टिफिशियल टूथ दे देते हैं। तो अब हम जानेंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स करवाने की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका ट्रीटमेंट, एक ये टूथ लास्ट कर सकता है आपके लिए। उसके बाद आपको मसूड़ों की दिक्कतें कम आएंगी डेंटल इम्प्लांट्स करवाने से। और अगर हम इम्प्लांट्स अपने सही एज पे, सही टाइम पे करवा लेते हैं तो ये हमारे फेस के एजिंग और ये रिंकल्स को भी प्रिवेंट करता है डेंटल इम्प्लांट्स। अब हम जानेंगे कि हाउ मच डेंटल इम्प्लांट्स कैन कॉस्ट यू, कितना खर्चा आता है डेंटल इम्प्लांट्स का अगर आप ये डेंटल इम्प्लांट्स करवाते हैं। देखिए, अगर डेंटल इम्प्लांट्स हम करवाते हैं तो स्टार्टिंग रेंज ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स विल बी 15,000 to 16,000। बाकी ये डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर आपके एरिया पे डिपेंड करता है, आप कौन सा मटेरियल यूज़ करवा रहे हैं, कौन सा मटेरियल डॉक्टर यूज़ कर रहा है और कौन से एरिया में क्लिनिक पड़ता है, तो इस पे ये डिपेंड करता है डेंटल इम्प्लांट्स का कॉस्ट। और सब इस प्रोसीजर के लिए सारा अच्छे से डायग्नोसिस होना आपका बहुत ज़रूरी है डेंटल इम्प्लांट्स के लिए। जब भी ट्रीटमेंट करवाने जाएं, अच्छे से पहले डॉक्टर से पूछें कि आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, आपका डेंटल इम्प्लांट का कॉस्ट क्या रहेगा और आपके आर्टिफिशियल टूथ का कॉस्ट क्या रहेगा, सारा मिला के फिर ही ये प्रोसीजर कंटिन्यू करें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।